दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऊर्जा से मिडिल स्टेशन से बाहर निकले, रेल स्टेशन अंदर ही कह सकते हो, तो ये गोल्डन टेम्पल है जो यहाँ अमृतसर में गुरुओं की पावन धरती है और उसके लिए जो फेमस है, ये ऑल वर्ल्ड फेमस है। पर मिला तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बैठ कर खा सकें, तो वहाँ से हम निकले, तो मैं यहाँ से कुछ रेलवे स्टेशन से कुछ ले लिया और वापस की जो मैं ट्रेन वो इसके अंदर मैं टू एस के दोस्तों यहाँ पर मैंने हाथ लगा रखा। मैं अगर इसको यहाँ पर अटकता हूँ तो ये इस ऐसे को जाता और यहाँ पर यहाँ पर अपना खाना खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो में। बात मिल रहे हैं तो एक बार सभी को सुबह की राम राम। तो आज का नया व्लॉग है जो कि पानीपत से अमृतसर के लिए है। तो दोस्तों इस व्लॉग में सिर्फ ट्रेन का ही हम टू एस का दिखाएंगे आपको और ट्रेन से रिलेटेड ये व्लॉग होगा। बहुत दिन हो गए हमने चैनल पर कोई भी काम नहीं किया, तो आज हम फाइनली सोच रहे हैं कि अब आपके लिए दो तीन महीने से काम नहीं कर रहे थे तो अब आपके लिए एक व्लॉग लेकर आएँ। उसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो कि आपको कुछ वीडियो में सरप्राइज देंगे, तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक जरूर। तो आज की जो ये जर्नी है दोस्तों मैं अकेले नहीं करने वाले, हमारे साथ में एक और दोस्त है, उसने भी अभी भी यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके साथ ये जर्नी करने वाले हैं। तो स्टेशन के लिए चल पड़े हैं, यहाँ से बाइक पर जा रहे हैं, वहाँ बाइक पार्किंग में खड़ी कर देंगे और वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। तो पीछे की साइड हमारा जो थर्मल है तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं भाई, आप यहां पर देख सकते हो जो पानीपत का रेलवे स्टेशन, मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूं भाई आपको पानीपत का रेलवे स्टेशन। और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, उस दोस्त का ऑटो वाला जो ऑटो रिक्शा थी उसका धन्यवाद करते हैं, उसने बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया, उसने 3 मिनट बोली थी दोस्तों, 3 मिनट में पहुंचा दिया। तो ले ट्रेन आ गई है। तो दोस्तों भी अपना जो सीटिंग है उस सीटिंग पर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, जो यहाँ ट्रेन में चले थे हम पानीपत से वहाँ हम बाहर इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब अपनी जो हमारी सीट अपन उसके पर आकर बैठ गए, सामने हमारे जो चैकर साहब हैं वो सीट चेक कर रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, तो एक बार मिल लेते हैं और टिकट अपनी चेक करवा देते हैं। तो भाई ये है टू एस का डिब्बा, तो मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ टू एस में कैसे किस्म की मिलती है, खासकर साले पंजाब के अंदर दोस्तों हमने टू एस के बहुत से टूर किए होंगे, लेकिन उसमें लंबी सीट रहते हैं और बाकी उसके अलावा कोई कुछ नहीं मिलता और साइड से मैं लेटरिन बाथरूम हूँ। तो इसके अंदर मैं टू एस के अंदर दिखाता हूँ दोस्तों, साले पंजाब ट्रेन है उसके अंदर आपको क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने हाथ लगा रखा, मैं अगर इसको यहाँ पर अटकता हूँ तो ये इस ऐसे को जाता और यहाँ पर यहाँ पर अपना खाना खा सकते हैं, आप आराम से रख सकते हो, मैं यहाँ पर उसको बैठ कर रख देता हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक कुर्सी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर अभी बंद कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखते नीचे यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म आसानी से रख सकते हो, और आप यहाँ पर आपको दोस्तों पानी बोतल वगैरह आप आराम से रख सकते हो। तो
दोस्तों जो हमारी ट्रेन है वो अम्बाला स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो अम्बाला ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है, तो इसलिए अम्बाला टहल रहे हैं, कुछ खाने पीने का लेते हैं, तो यहाँ से 10 मिनट के बाद चलते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में जैसे ट्रेन है स्टॉप लेती रहेगी, तो वहाँ पर ट्रेन के बाहर जो प्लेटफॉर्म है उस पर आते रहेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पर उसका इंजॉय करते रहेंगे। आप जैसे तो कहाँ बैठ कर पैदान पर बैठे हैं, पैदान पर बैठ कर इंजॉय ले रहे हैं गर्मी का, गर्मी बैठने के थोड़े नुस्खे ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैदान पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्की है, किसी भी कम से लाइन नहीं देते भाई आपको यहाँ पर बैठो। लेकिन हमारा 3-4 साल जब पुराना एक्सपीरियंस है, जब कॉलेज टाइम जाते थे यहाँ पर जाते थे, तो आप देख सकते हो भाई अभी 2 घंटे वो स्टेशन अभी 2 घंटे हैं और अमृतसर के बाकी हैं। तो अभी मोस्टली जो ट्रेन है वो यहाँ पर लुधियाना खाली हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर मेरे हेल्थ में 10 सीट है वो तकरीबन खाली हो चुकी है पीछे भी, क्योंकि दोस्तों जो मोस्टली क्राउड होता है वो लुधियाना तक ही होता है, बाकी इतनी भीड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये ट्रेन है तकरीबन खाली हो चुकी है, इससे आगे यहाँ पर और आराम से बैठ कर जा सकते हैं। अब ये 2S का डिब्बा हमारे लिए स्लीपर डिब्बा काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों लुधियाना आ चुका और यहाँ पर जो सारा क्राउड था ट्रेन का वो कम हो चुका है, इस बार तकरीबन जो सारी सीटें वो खाली हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर लेट कर आराम से बिल्कुल खाली और पीछे भी खाली, तो अब ये स्लीपर डिब्बा बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर आराम से अमृतसर तक लेट के जाएंगे। वैसे तो हमारे जो 2S डिब्बा उसमें कोई कमी नहीं लगी, लेकिन कमी एक है दोस्तों गर्मी की, सीट कम्फर्टेबल है बिल्कुल है। आप यहाँ पर मैंने पहले बताइए उतार सकते हो बैठ सकते हो, यहाँ पर आराम से अपने पैर रख सकते हो, लेकिन जो गर्मी है उस तो मौसम दोस्तों ऐसा है कि भाई कहीं वो बारिश है कहीं लू मौसम कहीं गर्मी है, तो इस वजह से बिल्कुल गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हैं। अगर ए सी सी डिब्बा होता तो बिल्कुल इंजॉय करते, लेकिन 2S में कोई ख़राब तो नहीं बोल रहे, क्योंकि दोस्तों 155 रुपये की टिकट 155 पानीपत से अमृतसर, तो ये जो पैसा वसूल करने वाली बात है, 4 का पैसा है वो वसूल होता है। बिल्कुल एक ऐसा फील हो रहा है भाई कि भीड़ में बैठे हैं या कम जगह में बैठे, बिल्कुल ही खुली सीट है और आगे पैर रख सकते हैं, कुछ खाना लेते खाना भी रखकर आराम से खा सकते हैं। लेकिन बस गर्मी का लेवल लेकिन उनको पंखे भी लगे हैं, लेकिन उनको हवा इतने गर्मी में कोई असर नहीं जाएगा। इस टाइम पर दोस्तों आपको पता घर पर भी गई ए सी असर नहीं करते तो पंखे क्या असर करेंगे। तो वैसे कुल मिलाकर ट्रेन का जो डिब्बा है सारे 15 एक्सप्रेस है 12-400 ट्रेन का ऐसा नंबर है, वो ट्रेन अगर तो पूरी ट्रेन के अंदर ऐसी सीट हैं, आप स्लीपर में जाओगे आपको थर्ड ए सी है, ए सी को स्टेशन में कुछ इससे अलग थोड़ा देखने का मिलेगा, लेकिन इस पास बिल्कुल ही जैसे दूसरी ट्रेन में होते हैं मेरी अकॉर्डिंग कम बिल्कुल अकॉर्डिंग कम पे नहीं कर सकते, जैसे दूसरी ट्रेन में होते हैं लंबा लंबी सीट दे दीजिए जैसे 4-5 आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, इसमें एक बंदा आराम से बैठ सकता सो सकता लिख सकता खा सकता, अपनी जो टांग है वो आराम थोड़ी देर डिब्बी नहीं सीधी कर सकता है। यहाँ दोस्तों आप पावर प्लग भी देख सकते हो, यहाँ पर आप अपना फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हो, ऐसे ऐसे हर एक सीट छोड़ कर दिया गया है, किसी भी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो तकरीबन 2S के अंदर आपको चार्जिंग प्लग नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या पता पूरी ट्रेन के अंदर 2 या 3 ही मिले, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरे डिब्बे के अंदर एक सीट छोड़ कर एक पावर प्लग देखने को मिलेगा। तो जलंधर आ चुके हैं और आपको बता दें कि ऑलमोस्ट जो ट्रेन है वो खाली हो चुकी है, और आपको यहाँ पर जलंधर का सीन दिखा देते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ थोड़ी ही ठंडक वाली चीज़ ले लिए भाई, एक ये नमकीन का पैकेट, तो देखते हैं कुछ राहत मिलती नहीं मिलती, 1 घंटा के बाद फिर देखते हैं भाई कहीं अच्छा सा लंच करते हैं। तो टाइम हो चुका है 2:05 और 10 मिनट बाद हमें अमृतसर जाएंगे, और मौसम बिल्कुल चिल्ड हो चुका है, ठंडा शायद आगे बारिश भी देखने को मिले, ठंडी हवा।
तो अमृतसर का जो आउटर है उस पर ट्रेन रुकी हुई है। कहाँ रुक रही है? चल रुकी रही है, कहाँ चल रही है? तो आप यहाँ पर बाहर इसका नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों आप अमृतसर में एंटर होते ही बारिश देखने को मिली है। सुबह से एक गर्मी से इतने परेशान हो चुके थे, आगे सोचा था भी आगे कभी भी लाइफ में 2S का डिब्बा नहीं लेंगे क्योंकि इतनी गर्मी थी। आगे लेते तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड AC का ही डिब्बा लेते। तो ये आ चुके दोस्तों अमृतसर रेलवे स्टेशन, चल चल गए। तो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन हमारे बिल्कुल से, और अभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ से बाहर निकलते हैं सर। बारिश और रखे हुए यहाँ कुछ देखते हैं खाना, ढूंढते हैं खाने को यहाँ पर क्या मिलता खाने का। यहाँ बारिश स्टेशन से बाहर निकल कर कुछ मार्केट में जाते हैं, लेकिन ये बारिश नहीं रुक रही है, बारिश का वेट कर रहे हैं, बारिश रुकते हैं यहाँ से बाहर निकलने और कुछ ढूंढने के खाने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले रेलवे स्टेशन के अंदर ही कह सकते हो, तो ये गोल्डन टेम्पल है जो यहाँ अमृतसर में गुरुओं की पावन धरती है और उसके लिए जो फेमस है ये ऑल वर्ल्ड फेमस है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो गोल्डन टेम्पल के लिए भी यहाँ से फ्री बस मिलती है। अगर आप गोल्डन टेम्पल विजिट करना चाहो तो उसके साथ ही जलियांवाला बाग भी यहाँ पर फ्री में विजिट कर सकते हो, यहाँ से आपसे कोई किराया नहीं लिखा लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो बस के फ्रंट साइड में लिखा हुआ फ्री बस गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ से ये अमृतसर का जो रेलवे स्टेशन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर गुरुद्वारा जाना चाहते हो तो यहाँ से ऑटो भी ले सकते हो, आपको 10 से 15 रुपये में ऑटो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर फ्री बस मिलती है, आप उनमें ज़्यादा आराम से बैठ कर जा सकते हो। तो दोस्तों तीन बज चुके हैं और 3:10 पर हमारी ट्रेन है, तो बारिश में यह हाल हो चुका है, पूरे भीग चुके हैं बारिश में, बारिश अभी तक हमने का नाम नहीं ले रही। होटल के अंदर गए थे, होटल वाले ने टाइम लगा दिया, वाले भी टाइम लगेगा, तो वहाँ से बिना कुछ खाए निकल आए हैं। तो अभी यहाँ रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, पहले अपनी जो ट्रेन है उसको ढूंढ कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो स्टेशन के पास एक बार फिर से पहुँच चुके हैं और सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमारी जो ट्रेन है खड़ी है और यहाँ पर 3:10 तक का टाइम है, 5-2 या 4 मिनट इसकी चलने में भी बाकी है। खाने को जो हमने सोचा था हमारा प्लान था भाई वहाँ अमृतसर जाके अच्छी ही कोई होटल में खाना लेंगे, लेकिन वो तो हमारा जो प्लान है वो फैल हो गया क्योंकि हमारे कोई अच्छा होटल नहीं मिला। होटल मिला तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बैठ कर खा सकें, तो वहाँ से हम निकले तो हमने यहाँ से कुछ रिलेशन से कुछ ले लिया और वापस की जो हमारी ट्रेन ये 2 बार खुलनी पड़ेगी, एक उसमें एक उसमें। तो वही हम पहुंच चुके हैं दोबारा से कई बार फिर पानीपत, तो इस जर्नी को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।